गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एक और नई वीडियो के साथ में, और प्रोबेबली इस सीरीज के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है ऑल द वे फ्रॉम अलवर। कल रात भी हम इसी होटल में रुके थे। कल जितना ठंडा मौसम था आज उतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन इट शुड नॉट स्टॉप द स्पिरिट ऑफ ट्रैवलिंग। सो यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट करते हैं 115 किलोमीटर की डिस्टेंस। ये है नज़ारा यहाँ से पहाड़ियों का। सो यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद में अभी कढ़ी कचौड़ी विच इज वेरी फेमस इन अलवर। 10 बजे का टाइम लगभग हुआ है तो 12 बजे तक लगभग पहुंच जाएंगे। सो लेट्स गो। भाइयों एवं बहनों, ये रास्ता है अलवर से भरतपुर होते हुए डींग यानी मथुरा जाने का। आपने कई गाड़ियों में वो देखा होगा कुत्ता जिसकी गर्दन हिलती रहती है, ऐसी हमारी हालत हो रखी है। अच्छा, एक और सरप्राइजिंग चीज देख लो भाइयों, इस सड़ी सी रोड पे टोल भी लगता है। ना तो इनके पास फास्ट टैग है ना कुछ है, और सारे लोकल्स को ये लोग जाने दे रहे हैं। जो भी बाहर की गाड़ियां हैं उनको ये लोग चूना लगा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि रोड की कंडीशन आपके सामने है। टोल कलेक्शन किस चीज का? दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। ये इस भाई साहब ने टिकट काटी है 35 रुपए की। वेल, यहाँ पे जो दोनों साइड में खेत हैं वो है कपास के, कपास मतलब कॉटन। मथुरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर और हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 2.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद में हम लोग पहुंच चुके थे डीग, विच इज वेरी फेमस फॉर इट्स जल महल। अब जी, अब जो ये बड़ी बड़ी दीवारें देख रहे हैं ये है डीग फोर्ट। डीग फोर्ट सर्व्ड एज अ समर मेंशन फॉर द भरतपुर रॉयल फैमिली। वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट दिस फोर्ट वॉज इट्स यूनिक एंड मैसिव लुकिंग वॉल्स। लगभग 8 किलोमीटर की आउटर पेरीफेरी और चारों तरफ से पानी से घिरी हुई दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, और क्योंकि ये अभी रिनोवेशन में है तो यहाँ पे देखने के लिए अभी कुछ नहीं है एक्सेप्ट वन कैनन। वेल, ये है डीग का किला। बेसिकली ये दीवारें हैं और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से जा रहे हैं यहाँ इसके सामने ही जल महल। So we have just entered into Deeg Jal Mahal. देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और टिकट प्राइस है 25 रुपए 1 पर्सन। एक पॉइंट जो जरूरी है मुझे बताना वो है गर्मी। मौसम अगर अच्छा हो तो आपको घूमने का अलग ही मजा आता है, स्पेशली ऐसे प्लेसेस फोर्ट पैलेसेस म्यूजियम्स। लेकिन अगर गर्मी बहुत होती है तो इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट, और जब हमने ये विजिट किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट वॉज वेरी हॉट। इस प्लेस की अगर यूनिकनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो लश ग्रीन गार्डन्स, रेड मार्बल स्टोन बिल्डिंग्स एंड एक अमेजिंग स्ट्रक्चर विद लॉट्स ऑफ फाउंटेन्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स अलोंग विद अ वाटर बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 म्यूजियम है, एक सामने है, एक जस्ट बिहाइंड माई बैक जो जिसको किशन महल कहते हैं। तो बेसिकली ये पहले पुराने ज़माने के महल हुआ करते थे जो कि अब संग्रहालय में बदल चुके हैं, और एक है वो सामने द फर्स्ट वन वी विजिटेड एंड दिस इज द व्यू। यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा बिताने के बाद में अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बरसाना, विच इज़ राधा रानीज टेम्पल और उनका महल। तो वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं, और बीच में लंच। ये है रास्ता जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं ऊपर, अदरवाइज अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है।
सो जी, दर्शन तो थोड़े दुर्लभ हो गए राधा रानी के उस टेम्पल में, बिकॉज ऊपर चढ़ाई थी और वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि गाड़ी अटक गई थी किसी की, तो जाम लग गया था और टाइम भी था। तो सेम बरसाने में कीर्ति मंदिर, जो कि एक नया मंदिर बना है, वहाँ पे दर्शन किए हैं। काफी अच्छा स्पेशियस है और भीड़ भी इतनी तो थी नहीं कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वृंदावन में कौन से मंदिर में दर्शन होते हैं आज। So basically we have reached Vrindavan और there is a multi story parking here। आप जब छटीकरा रोड से हाईवे से अंदर आएंगे तब, लेकिन अब देखना होगा क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ से फिर रिक्शा वगैरह वो सब करके आप जा सकते हैं। इसके बाद हमें प्रेम मंदिर और बांके बिहारी टेम्पल जाना है। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल मंदिर के दर्शन फाइनली हो गए, दोनों मंदिर, प्रेम मंदिर एंड बांके बिहारी टेम्पल। बाकी यहाँ पे घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है और ये मल्टी स्टोरी मल्टी लेवल पार्किंग है। इफ यू कैन सी हियर, 100 रुपए की पार्किंग है ये, 24 घंटे तक आप इसमें खड़ी कर सकते हैं पार्किंग, एंड देन यू कैन रोम अराउंड। ये सीरीज को और खत्म करने का टाइम आ गया। इफ यू लाइक दिस वीडियो और इफ यू लाइक दिस सीरीज, गिव इट अ थम्स अप। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, बिकॉज इट माइट बी हेल्पफुल। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और मजेदार वीडियोज के साथ।